हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, क्या इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली सफ़र कर सकती है, यानी कि क्या बिना तार के बिजली एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? तो दोस्तों, जा सकती है। यही काम मैं करूंगा, मगर ये काम मैं करूंगा पानी के अंदर। मेरा सवाल यही है कि भाई हवा में तो ट्रेवल करती है, मगर क्या पानी के अंदर भी ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शन जो है पानी के अंदर भी होती है। यानी कि दो कॉइल अगर एक दूसरे के आसपास हों, तो एक कॉइल से बिजली दूसरे कॉइल में यकीनन ट्रांसफर होगी। तो दोस्तों, हम इसको करके देख लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को हम कर लेते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक मोबाइल चार्जिंग डिवाइस। तो दोस्तों, ये वायरलेसली मोबाइल को चार्ज कर सकती है। तो भाई, इसके साथ मैं चार्जर को कनेक्ट करूँगा और इसके ऊपर मोबाइल नहीं रखूँगा, बल्कि अपनी बनाई हुई एक कॉइल को रखूँगा, जिसके साथ मैंने एक अदद LED लगाई हुई है। दोस्तों, ये वो कॉइल है जो मैंने खुद ही बना दी थी। तो दोस्तों, इसके दोनों तारों में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अदद LED लगा दी है। तो भाई, इसको इसके ऊपर हम रखेंगे और जैसे जैसे इससे इसका फासला कम होगा, ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, यानी जलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्ब किस तरह से जल रहा है, यानी इस कॉइल का मैं इस डिवाइस से फासला बढ़ाऊंगा तो ये जलना बंद कर देगा, और जैसे जैसे मैं करीब लेके जाऊंगा तो ये जलेगा। तो दोस्तों, यही वाला काम मैं इसके साथ पानी के अंदर भी करके देखूंगा। अब दोस्तों, हम लेते हैं यहाँ पे एक कटोरा और उसके अंदर हम डालेंगे पानी, और यही सारा काम हम पानी के अंदर भी करेंगे, यानी इसका फासला भी कम करके देखेंगे, और दोस्तों इसके अलावा जो है इसको फुल पानी के अंदर डुबो के भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा।